हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माय नेम इज दीपक कुमार. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन ईशान कॉलेज इंजीनियरिंग सिविल डिपार्टमेंट. सो माय टीचिंग सब्जेक्ट इज सर्वे. ओके, तो देखो फ्रेंड्स, जो आप पहली क्लास में क्या किया था, आपकी सर्वे की स्टडी की थी और आपकी जो चेन एरर्स होती हैं उनके बारे में स्टडी की थी. ठीक है, तो हम टॉक करते हैं एरर्स इन दी चेन सर्वे. तो आपकी जो एरर होती हैं वो दो तरह की होती हैं. एक आप जो डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं उसमें आपकी एरर हो सकती है, दूसरा आपका जो एरिया होता है उसमें आपकी एरर होती है. ठीक है, तो आपने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था एल डी इक्वल टू एल वन डी वन. तो ये हमारा होता है एरर इन दी मेजरिंग ऑफ द डिस्टेंस. ओके, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर आप जब चेन से या टेप से वो डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं दो पॉइंटों के बीच में, तो उसमें जो आपकी एरर होगी उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा. यहाँ पर हमने देखा था एल आपकी क्या थी, एल आपकी थी स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द चेन, डी आपकी थी करेक्ट और एक्चुअल डिस्टेंस, इसके बाद आपकी एल वन थी इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन और टेप, और डी वन आपकी थी मेजरिंग डिस्टेंस. अब आगे नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे एरर्स इन द एरिया. ठीक है, जिस तरह से हम क्या करते हैं चेन से डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, हम चेन से एरिया मेजरमेंट कर सकते हैं. तो अगर आपकी जो चेन है वो अगर एकदम फिक्स लंबाई की नहीं है, उसकी लेंथ अगर आपकी थोड़ी ज्यादा या कम हो गई है किसी वजह से, तो आपकी एरिया मेजरमेंट करने में भी एरर आ सकती है. अब हम एक फॉर्मूले के द्वारा इस एरिया में एरर निकालेंगे. ओके, तो जिस तरह हमने फॉर्मूला पढ़ा डिस्टेंस, उस तरह इसका भी फॉर्मूला होता है. देखिए एल, इसका एक फॉर्मूला होता है इफ द चेन बार्ज नॉट ऑफ ट्रू लेंथ और स्टैंडर्ड लेंथ. अगर आपकी चेन ट्रू या स्टैंडर्ड लंबाई की नहीं है, then the error in measuring the area is called errors in the area. यानी जब आपकी चेन होती है और आपकी स्टैंडर्ड लंबाई की नहीं होगी, उसकी फिक्स लंबाई नहीं है, 20 मीटर या 30 मीटर नहीं है, थोड़ी सी कुछ सेंटीमीटर ज्यादा या कम है, तो उसको बोलेंगे एरर इन दी एरिया. अब इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, वो आपका होता है कि एल स्क्वायर ए इक्वल्स टू एल वन स्क्वायर ए वन. ठीक है, वहां आपका था एल डी बराबर एल वन डी वन, लेकिन हम जानते हैं आप एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे एल का स्क्वायर कर दिया. ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला हो गया एल स्क्वायर ए इक्वल्स टू एल वन स्क्वायर ए वन. तो हेयर एल इक्वल्स टू हमारा क्या था, वो सेम था पहले की तरह, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द चेन. तो देखो एल हमारा है स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द चेन, 20 मीटर या 30 मीटर. ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू मीटर में आएगी. और आपका ए हमारा क्या है, ये हमारा एक्चुअल एरिया होता है, देखो बोलते हैं एक्चुअल एरिया ऑफ द फील्ड. तो हम चेन के द्वारा या टेप से जो आपका एरिया मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसकी जो एक्चुअल डिस्टेंस है अगर हम उसको करेक्ट चेन से मेजरमेंट करें तो उसको ए बोलेंगे यहाँ पे. और यहाँ पे ए वन हमारा क्या है, यानी जो एरिया हम इनकरेक्ट चेन के द्वारा मेजरमेंट कर रहे हैं उसको हम ए वन कहते हैं. जैसे वहां पर बी वन था मेजर्ड लेंथ, इसी तरह यहाँ पर ए वन क्या है, मेजर्ड एरिया, तो इसको बोलते हैं मेजर्ड एरिया. और आपकी एरिया की वैल्यू हमारी इसमें किसमें आएगी, आपके मीटर स्क्वायर में आएगी. और हमारा यहाँ पर एल वन क्या है, एल वन यहाँ पे हमारा होता है इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन. ओके, तो एल वन को कहते हैं इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन. तो ये इसकी वैल्यू आपकी मीटर में आएगी. ठीक है, तो स्टूडेंट हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये फॉर्मूला सेम डिस्टेंस की तरह है, बस इसमें क्या है कि आपका एल का स्क्वायर हो गया है. तो इसको आप याद कर लेंगे एल स्क्वायर ए इक्वल टू एल वन स्क्वायर ए वन. ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए हमने क्या एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एल स्क्वायर ए इक्वल टू एल वन स्क्वायर ए वन. ठीक है, अब क्या करते हैं उस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द वर्क एक 30 मीटर चेन बार 9 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, एंड एट द एंड ऑफ द वर्क इट इज फाउंड 18 सेंटीमीटर टू लॉन्ग. फुल स्टॉप. द सर्वे वाज प्लॉट एट ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर. When the area is measured from this chain is 65.20 centimeter square, then find out the correct area of the field. तो स्टूडेंट देखो हमें इसमें क्या कह रहा है कि हमने एक incorrect chain के द्वारा एरिया को measurement किया है. ठीक है, तो measurement करने से पहले हमने chain की testing की है. जब testing कर रहे हैं शुरू वाले point पर, तो chain आपकी 9 centimeter लंबी पाई गई है. ठीक है,
इसके बाद तब हमने फिर जब दोबारा अपना सर्वे खत्म करके दोबारा फिर चेन को एक बार फिर से चेक किया है, तो फिर ये कह रहा है कि इसमें आपकी चेन है 18 सेंटीमीटर लंबी पाई गई है। इसके अलावा और हमने इस चेन से जब एरिया को मेजरमेंट किया है तो जो आपका एरिया निकल के आया है 65.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में हमने जो स्केल लिया है उसको फिर हमने क्या है कि ड्रॉइंग शीट पर एरिया को प्लॉट किया है, तो उसमें स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर। तो हमें इसमें ये निकालना है कि इस फील्ड का करेक्ट एरिया कितना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ये रहता है जो हमें डेटा गिवन दिया होता है उसको सबसे पहले हम इसमें नोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं पहले, तो हमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपका आता है एल, एल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द चेन और टेप। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, यहाँ हमने 30 मीटर की चेन ली है तो यहाँ पे एल का मान हो जाएगा 30 मीटर। अब देखिए एक हमारा होता है ए वन, ए वन को बोलते हैं मेजर्ड एरिया, यानी हमने इनकरेक्ट चेन के द्वारा जो एरिया मेजरमेंट किया है उसको बोलते हैं ए वन। तो ये हमारा गिवन है 65.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए हमारे स्केल दिया हुआ है, यहाँ पर स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर। वैसे एक्चुअली में आपका ऐसा होता नहीं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको स्केल दिया है, इसलिए हम मान लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है, अब लेकिन देखो हमारी जो एरिया की वैल्यू है वो हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो हम इस स्केल को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ इस इक्वेशन में दोनों साइडों में इसका स्क्वायर कर देंगे, आपका ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। अब जो आपकी A1 की जो वैल्यू हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वैल्यू को मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे। ओके, तो बाय द यूजिंग ऑफ द स्केल A1 इक्वल्स टू 65.20 इनटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 6520 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये L हो गया, A1 हो गया, और ये आपका नेक्स्ट इसमें आपका दिया हुआ है L1, L1 निकाला। आप L1 क्या होता है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ दी चेन और टेप। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो चेन को दो बार हमने चेक किया, एक बार शुरू में किया, एक बार लास्ट में किया, तो क्या करेंगे इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका शुरू में चेन हो जाएगी 30.09 मीटर की और लास्ट में है 30.18 मीटर की, अपॉन 2 कर देंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा यहाँ से, तो इसकी वैल्यू निकल के आपकी आएगी 30.135 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे आपको जो चेन में जो एरर दे रखी होगी वो आपकी बारी क्या है सेंटीमीटर में दी होगी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस एरर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तभी हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। तो यहां से आपका जो L1 की वैल्यू है वो आपकी निकल के आ गई 30.135 मीटर और कैपिटल A इक्वल टू वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस आपके इस फॉर्मूले में चार चीजें थी L1, A1, L और A। ठीक है, तो इसमें हमने क्या तीन चीजें निकाल, तो स्टूडेंट देखिए तो हमारे यहाँ पे देखो जो एक फॉर्मूला यूज करेंगे L L स्क्वायर A इक्वल टू L1 स्क्वायर A1। ओके, तो हमारे यहाँ पे L की वैल्यू हमारी क्या थी 30, तो आपका जो हो जाएगा 30 का होल स्क्वायर इनटू A1 फाइंड आउट करना है इक्वल टू L1 की वैल्यू हम कितने निकाल चुके हैं 30.135, तो 30.135 का होल स्क्वायर इनटू आपका A1 है 6520। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है इनको हमने पुट कर दी है, अब यहाँ से हम A की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए आपका A क्या निकल के आ जाएगा, A इक्वल टू 30.135 अपॉन 30 का होल स्क्वायर इनटू 6520। तो A इक्वल टू आपका निकल के आएगा 6578.81 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपका आ गया एक्चुअल एरिया ऑफ दी फील्ड, तो हमें देखिए जो आपका जो मेजर्ड एरिया था वो हमारा क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था, तो हम क्या करेंगे इसको भी स्केल का यूज करके सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा स्केल क्या था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर था, और हमें क्या इसका उल्टा करना है, तो हम क्या करेंगे इसको चेंज करने के लिए इसमें हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो आपका A आ जाएगा 6578.81 अपॉन 100, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 65.7881 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपने देखा कि जब आपका एक्चुअल एरिया ऑफ द फील्ड हो गया। ठीक है, तो हमने इस तरह से हमने दो एरर्स पढ़ ली इसमें, एरर्स इन द मेजरिंग द लेंथ और एरर्स इन द मेजरिंग द एरिया। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे और कुछ डिस्कस करेंगे, तब तक थैंक यू वेरी मच।